हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज हम बात करेंगे सपोजिटरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी बेस की क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? भैया बेस क्या है? बेस तो वो चीज है सपोजिटरी कैटेगरी अंदर जिसमें मुझे ड्रग को मिलाकर देना है। पहले हम देखेंगे कि सपोजिटरी को लेने का तरीका क्या है और सपोजिटरी की वजह से एक्शन कैसे मिलता है, जिससे हमें पता लगेगा कि बेस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, ये है सपोजिटरी, ये कोई डोजेज फॉर्म है और इस डोजेज फॉर्म को यूज किया किसने? पेशेंट ने। पेशेंट सपोजिटरी को कहां इंसर्ट करता है? बॉडी कैविटी में। और वो बॉडी कैविटी या तो ईयर हो सकती है या फिर वो नोज हो सकती है। वो बॉडी कैविटी या तो रेक्टम हो सकती है या फिर वो बॉडी कैविटी वेजाइना हो सकती है या बॉडी कैविटी यूरिथ्रा हो सकती है। तो कुल मिलाकर सपोजिटरी को पेशेंट ने कैविटी में डाल दिया। बॉडी कैविटी की बात हो रही है जहां पर वो सपोजिटरी बॉडी कैविटी पर मेल्ट होगी और जो ड्रग घुली हुई है उसमें से रिलीज हो जाएगी। इट मीन्स After reaching at body temperature, suppository पिघल जाएगी और उसमें जो दवा इनकॉर्पोरेट की थी आपने बनाते समय वो रिलीज हो गई। रिलीज होने के बाद जो ड्रग रिलीज हुई या तो उसे लोकल एक्शन मिलेगा, मतलब जहां पर कैविटी है, या फिर वो ड्रग एब्सॉर्ब हो जाएगी और एब्सॉर्ब होने के बाद ब्लड में आ गई और उसमें सिस्टमिक एक्शन। तो यही तो हम पढ़ते आए हैं कि सपोजिटरी के दो एक्शन होते हैं, या तो लोकल एक्शन या फिर सिस्टमिक एक्शन। हुआ क्या था? आपने क्या किया था? सपोजिटरी को दिया था किसी चीज में घोलकर या किसी चीज में मिलाकर। तो जिस चीज में मिलाकर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? बेस। तो भैया बेस इतना इंपॉर्टेंट है? जिस तरह टैबलेट को देने के लिए मेन ड्रग के साथ में एक्सीपिएंट्स देता हूं, जिस तरह मुझे लिक्विड डोजेज फॉर्म देने के लिए मैं सॉल्वेंट लेता हूं, बाकी इंग्रेडिएंट देता हूं और फिर ड्रग को घोलकर उसमें देता हूं, उसी तरह सपोजिटरी के अंदर मुझे बेस देना पड़ता है ड्रग को देने के लिए। तो इसका मतलब द सक्सेस ऑफ सपोजिटरी डिपेंड्स ऑन द बेस। तो व्हाट इज द बेस? बेस क्या है और बेस की क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो भैया बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या सपोजिटरी बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर मिलाकर दिया जाता है ताकि एक निश्चित शेप बन जाए, जो अलग अलग शेप हम पढ़ चुके हैं, और वो बॉडी कैविटी में डाला जाता है जिसमें वो पिघलता है, ड्रग रिलीज होती है और पेशेंट को एक्शन मिलता है। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस है या फिर जो बेसिस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वही हम पढ़ रहे हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज मतलब आदर्श प्रॉपर्टीज। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बेस, या फिर इस बेस की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला है, भैया हम सपोजिटरी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सपोजिटरी बॉडी में जाती है और या फिर बॉडी में इंसर्ट करते हैं और बॉडी टेम्परेचर वो मेल्ट होती है और ड्रग रिलीज होती है, एक्शन मिलता है, देख तो चुके हैं। तो यही सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि मींस द बेस शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर और इट शुड डिसॉल्व और डिस्पर्स इन बॉडी फ्लूइड्स। जिस कैविटी में डाल रहे हैं वो बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर उसको डिस्पर्स भी होना है, घुलना भी नहीं है। घुलना भी यही है, क्योंकि अगर घुलेगी नहीं तो ड्रग कैसे डिजोल्व होगी, और अगर डिजोल्व नहीं होगी तो जिस पर्पस से मैंने बनाया है वो समझा है, हो सकता है सिस्टमिक एक्शन हो तो वो एक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। अब आता है दूसरा, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इसी के साथ नहीं, किसी भी डोजेज फॉर्म के साथ अगर हम यूज करते हैं तो उसकी भी ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी इंग्रेडिएंट की, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। तीसरा है प्रॉपर्टी आइडियल नॉन इरिटेंट। ये इरिटेट नहीं करनी चाहिए किसको? टू द सेंसिटिव टिश्यू एंड टू द इनफ्लेम टिश्यू। सेंसिटिव टिश्यू का मतलब और इनफ्लेम टिश्यू का मतलब जिस घाव के लिए हम दे रहे हैं, जिस टिश्यू पर हमें एक्शन लेना है, वहां पर आपको इरिटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन इरिटेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथा, द बेस शुड बी कंपेटिबल विद वाइड वेराइटी ऑफ ड्रग। भैया कंपेटिबल का मतलब होता है दोस्ती। ए और बी ड्रग को अगर मिलाया कोई नई रिएक्शन हो गई तो मतलब इनकम्पेटिबल,
तो भैया बेस है ये तो, और इसमें सपोजिटरी में मैं एक से ज्यादा कई दवाएं भी यूज कर सकता हूं, कई का इन द सेंस एक या दो, या फिर मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारी दवाओं की आवश्यकता हो सकती है जिसको सपोजिटरी के फॉर्म में मुझे यूज करना है। तो जो बेस है इट शुड बी कंपेटिबल, वो ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए ना ड्रग बेस के साथ रिएक्ट होनी चाहिए। तो यही कहने का मतलब है नॉन रिएक्टिविटी बिटवीन द बेस एंड द ड्रग्स विच आर गोइंग टू बी यूज इन द सपोजिटरी, ओवरऑल मैं कह सकता हूं कंपेटिबल होना चाहिए। अब पांचवा, इट शुड नॉट हैव मेटास्टेबल फॉर्म्स। अब सर ये मेटास्टेबल फॉर्म कहां आ गया, तो मेटास्टेबल फॉर्म जानने के लिए डिटेल में तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें क्रिस्टलाइजेशन के बारे में काफी बार मैंने डिस्कस किया है। आपको इतना याद रखना है कि कोई भी ड्रग क्या होती है कि एक या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं दीज आर टर्म्ड एज पॉलीमॉर्फ्स। होता क्या है कि जब मैंने कोई डोजेज फॉर्म बना दी, सपोज ए डोजेज फॉर्म, और जब मैंने ए डोजेज फॉर्म बनाया था तो सपोज उस समय इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, लेकिन समय के साथ क्या है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाएगा, कहने का मतलब पॉलीमॉर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया। अब ये जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल्टिंग, तो यहां पर तो सारा खेल मेल्टिंग का ही है। तो अगर आपने ऐसा कोई पॉलीमॉर्फ यूज किया जो स्टोरेज रहते रहते यूज करते करते या जब तक यूज नहीं आएगा उस दौरान एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया तो मेल्टिंग ही बदल जाएगी, और मेल्टिंग ही बदल जाएगी तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सपोजिटरी को तो बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होना है। इट मींस द फॉर्म विच आर गोइंग टू बी यूज इन सपोजिटरी दे शुड नॉट बी मीन्स दे शुड नॉट हैव मेटास्टेबल फॉर्म, या फिर वो चेंज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, द बेस शुड हैव सफिशियंट श्रिंकेज ऑन कूलिंग टू रिलीज इटसेल्फ फ्रॉम द मोल्ड विदाउट लुब्रिकेंट। अब हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि सपोजिटरी कैसे बनते हैं, तो सपोजिटरी बनते हैं सांचे से, सांचे आप समझते हो, सांचे को बोलते हैं हम क्या, हम बोलते हैं मोल्ड। भैया गुजिया कैसे बनती है आप समझते हो, गुजिया क्या होता है एक मोल्ड होता है, हम क्या करते हैं एक जो मैदा है हम उसमें जो सॉलिड चीज है जो डालना है उसमें वो हम रखते हैं और उस सांचे को यूं बंद करते हैं, लेकिन क्या होता है गुजिया के ऊपर हमें पहले मोल्ड लगाना पड़ता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जहां पर सांचा काम आता है वहां पर हमें पहले ल्यूब्रिकेंट लगाना पड़ता है ताकि जिस चीज को हम भर रहे हैं और जो कंटेनर है सांचे का वो चिपक नहीं जाए। यही तो कह रहे हैं कि जब बेस को हम डालते हैं मोल्ड के अंदर तो जो बेस है वो सिकुड़ना चाहिए, तो सिकुड़ने से क्या होगा सांचे के साथ जो आपका बेस है वो चिपकेगा नहीं, तो जैसे ठंडा हुआ वो श्रिंक हुआ सिकुड़ गया, और वॉल और जो बेस है उसके बीच में दूरी आ गई, तो जब दूरी आ गई तो ऑटोमेटिकली जैसे आप सांचे को खोलोगे सपोजिटरी बाहर आ जाएगी, तो मतलब मुझे तो ल्यूब्रिकेंट लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं। अब कौन सा ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं सपोजिटरी बनाते समय वो बात की बात है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की, अगली है कि द बेस द आइडियल सपोजिटरी बेस इट शुड हैव वेटिंग एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब जो भी ड्रग उसमें यूज कर रहे हैं बेस के अंदर वो आराम से बेस उसको वेट कर ले, अपने अंदर इमल्सिफाई कर ले। सर इसकी क्या जरूरत है, भाई हम सपोजिटरी यूज कर रहे हैं ना, सपोजिटरी हम ड्रग डाल रहे हैं उसको हम सॉलिड पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं या फिर हम थोड़ा सा उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो जब तक ड्रग गीली नहीं होगी तब तक वेट नहीं होगी, हम मतलब कह सकते हैं अगर वेट नहीं होगी तो डिसॉल्व नहीं होगी, और डिसॉल्व नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एक्शन नहीं आएगा। देयरफॉर इट शुड हैव वेटिंग एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आती प्रॉपर्टी है कि द बेस शुड हैव हाई वाटर नंबर, दैट इज परसेंटेज ऑफ वाटर इनकॉर्पोरेटेड की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर नंबर वाला कंसेप्ट है हम इसको डिटेल में देखेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग पर जाएंगे सपोजिटरी की, लेकिन अभी इतना याद रखना है कि सपोजिटरी बेस या आइडियल सपोजिटरी बेस का
हाई वाटर नंबर होना चाहिए, मतलब बेस ऐसा होना चाहिए कि वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर रख सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है कि द आइडियल सपोजिटरी बेस इज दैट बेस विच इज स्टेबल ऑन स्टोरेज, और स्टोरेज के दौरान, हैंडलिंग के दौरान, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन कलर एंड ऑर्डर एंड द रिलीज पैटर्न। जितना तब तक आप उसको यूज नहीं करो, ना तो कलर में चेंज आना चाहिए, ना ऑर्डर में चेंज आना चाहिए, और ना रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग की, मतलब ड्रग जिस हिसाब से रिलीज हो रही जब उसको बनाया था और जब तक उसको यूज कर रहे हैं तब तक वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर रहे हैं कि द सपोजिटरी बेस इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। सपोजिटरी बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे हैंड से बना, हाथों से बनाया जाता है, हालांकि आजकल यूज नहीं होता, पुरानी टेक्निक है। दूसरा है विद द हेल्प ऑफ मशीन बाय कंप्रेशन एंड बाय एक्सट्रूजन। तो जो बेस है वो ऐसा बेस होना चाहिए, मतलब उसको यूज कर रहा हूं मैं सपोजिटरी बनाने के लिए, मींस सपोजिटरी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल दीज प्रोसेसेस, बेस आराम से उसको हैंडलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल सपोजिटरी बेस, वो बेस होता है Which maintains the shape on handling। जब सपोजिटरी बन गई और जब तक यूज नहीं हुई, शेप बिल्कुल ऐसे की ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि भैया जितनी भी आप देखोगे सपोजिटरी, उनका एक एंड थोड़ा सा टेपर्ड होता है, पॉइंटेड होता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे बॉडी कैविटीज में डालना है। सोचो अगर ये चीज होगी तो नोज में जाएगी क्या? नहीं, लेकिन ये वाली चीज नोज में आराम से जाएगी, तो इसलिए तो एक एंड टेपर्ड या पॉइंटेड होता है सपोजिटरी का। अगर शेप ही चेंज हो गई तो खेल ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब द शेप शुड बी मेंटेन बेस, ऐसा होना चाहिए सपोजिटरी का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द बेस ऑफ सपोजिटरी इट शुड रेडली रिलीज द ड्रग। जैसे ही कैविटी में डालो बॉडी के, आराम से ड्रग उसमें रिलीज हो जाए, ऐसा होना चाहिए बेस। ऐसा नहीं कि बॉडी में डालने के बाद मेल्ट भी नहीं हो रहा है, आधा रह गया, ड्रग रिलीज नहीं हो रही, आप सोच रहे हो कि सपोजिटरी के पैसे भी दे दिए, बॉडी में चली गई, इरिटेशन भी स्टार्ट हो गई और एक्शन भी नहीं मिला। मींस ड्रग शुड बी रिलीज इन द प्रेडिक्टेबल मैनर। नेक्स्ट, बेस, इफ बेस इज फैटी, अलग अलग तरीके के बेस हैं, डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पर स्पेशली बात हो रही है फैटी बेस। अगर बेस आपका फैटी है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर बेस आपका फैटी है तो उसकी एसिड वैल्यू लेस देन 0.2 होनी चाहिए। अगर बेस आपका फैटी है तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू इट शुड बी 200 to 245, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर बेस आपका फैटी है तो आयोडीन वैल्यू इट शुड बी लेस देन 7। और इसके अलावा जो चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो बेस फैटी है तो there is small interval between melting and solidification, तो melting और solid के बीच में बहुत कम गैप होना चाहिए अगर बेस आपका फैटी है। ये सारे characteristics हैं किसके? आइडियल सपोजिटरी बेस के। तो हम इस तरीके से मिलते रहेंगे, चीजों को इजी बनाते रहेंगे। अगला वीडियो रिलीज होने के लिए, आपके पास नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना है? बेल आइकन प्रेस करना है ताकि जैसी वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर बीइंग इन टच, कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।